नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएफओ को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने पीपीएफ नियमों में क्या बदलाव, बच्चे की पढ़ाई के लिए भी 15 साल से पहले निकाल सकेंगे राशि, जान लीजिए महत्वपूर्ण बातें। केंद्र सरकार ने ब्लिक प्रोविडेंट फंड नियमों में बदलाव किया है। सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत पीपीएफ निवेश का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इन नए नियमों के जरिए पीपीएफ खाताधारकों को कहीं सहूलियत देने की कोशिश की गई है। अब खाताधारक बच्चे की पढ़ाई के लिए भी 15 साल से पहले भी राशि निकाल सकेंगे। दरअसल नए नियमों में पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद किए जाने में नियमों में बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक 2019 में जिस खाते को खोला गया है उस साल के अंत के बाद 5 वित्तीय साल के पूरा होने के बाद समय से पहले इसे बंद करने की अनुमति है। इसके लिए एक विशेष फॉर्म बनाया गया है। इस फॉर्म को भरने के बाद खाताधारक समय से पहले खाता बंद करवा सकेंगे और राशि निकाल सकेंगे। मालूम हो कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। पीपीएफ के पुराने नियमों में खाताधारक को उच्च शिक्षा के लिए खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब इसे खाताधारक के साथ साथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी जोड़ दिया गया है। इसके लिए आपको देश या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अपने एडमिशन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज और शुल्क बिल प्रस्तुत करना होगा। अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको इससे जुड़ी एक बहुत जानकारी मिलनी चाहिए। पीपीएफ में निवेश के कई फायदे मिलते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन फायदा जरूरत के वक्त लोन की सुविधा है। आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आपको लोन की सुविधा दी जाती है। खास बात यह है कि बैंकों की तुलना में इसमें आपको कम ब्याज दर देनी पड़ती है। इसके साथ ही किसी चीज को भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय माता दी।